सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर। फिर गुरु जी के जो ये जो समा मांगते हैं ना गुरु जी, हम तो बैठे हैं जैसे आराम से बैठते हैं और सुनते हैं शब्द कीर्तन, चाय प्रसाद भी मिल रहा है देखो, है ना, ब्रेड पकौड़ा भी डबल डोज है ना। मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, मैंने कहा देखो उनको पता है कि डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा मीठा खिलाना है ना, जो पेट की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा मिर्ची खिलाएंगे, और जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए है ना उनको दो ब्रेड पकौड़े। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा बड़ी गुरु जी ड्राई ग्लिसराइड इतना हो गया, और बोलते पता है तला हुआ नहीं खाना, मैं तो वैसे ही नहीं खाती, और यहाँ जो प्रसाद मिलता है मैं यही मेरी दवाई, जहाँ जाती हूँ तला हुआ ही मिलता है यू नो संगत में, वैसे घर में नहीं खाती, जो सत्संग में मिल जाए वो प्रसाद। सो उनको पता होता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या चल रहा है, तो वो वैसा ही हमारा इलाज करते हैं। बट विश्वास होना चाहिए, यू नो पूरे विश्वास होगा तभी जाके वो प्रसाद ही लगता है। आधा यू नो 50% गुरु जी शायद कर दे, वो शायद शायद में ही रह जाता है, क्योंकि जब किरणें, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स जैसे सूरज की किरणें होती है ना, जब वो किरणें हमारे पर आ रही होती है, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, तो अगर हम अपना दिल खोल के, दिल खोलना क्या होता है, पूरा विश्वास, और अगर हमने घड़ा उल्टा कर दिया, पीठ कर ली, आधा सोचा आधा टेढ़ा देखेंगे, आधा मतलब पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, यू नो शक का मतलब डाउट ही रहता है, तो फिर वो घड़ा जब उल्टा रखोगे तो उसमें किरणें, इसमें कुछ भी घड़ा भरे गए, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए जब आप उन पर विश्वास करते हो तो पूरा करो, नहीं तो फिर वो आधा अधूरा खेल रह जाता है, फिर कहते हो असी तो गुरु जी को गए सी, साडा तो कोई काम नहीं होया, साडा कल्याण नहीं होया, वो तो रस ले रहे ने, हमारा क्या होगा, है ना। पर वो देखो कि जो रस ले रहा है वो पूरा 100% गुरु जी का हो गया, चाहे अच्छा हो रहा है जिंदगी में, बुरा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, मेटा हो रहा है, कुछ भी थोड़े नाल हो रहा है, ही एक्सेप्ट, और उस एक्सेप्टेंस के अंदर रस बरस रहा। तो देख लो आज हमने कितना सुंदर शब्द सुना, गुरु सिक्खी दी ये निशानी, वो कहते ना दूसरों को क्या भाई हम समझाएं, पहले हम अपने आप के अंदर देखें कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज आई है कि नहीं आई है, है ना, इतना नीवापन आया कि नहीं आया। जैसे हम कहते ना थोड़ा सा कोई सेवा मिल जाती है वो तो बाहर वो बैच मिल गया चलो जी असि चले गए, और फिर पूरा रोज हम बड़े मंदिर में सेवा करते हैं मेन हॉल, हाँ जी ठीक है जी, आपको नीवे होके रहना, आपको कुछ बताना ही नहीं है कि आप क्या सेवा करते हो, क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है बताने की कि आप लंगर में सेवा करते हैं, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। क्या उसका मतलब है आप दूसरों को बता के सेवा कर रहे हो, तो गुरु की सेवा कैसे होगी, है ना, गुरु की सेवा संगत सेवा ही होती है। तो इसलिए जब आप सेवा में भी लगते हो तो चुपचाप जाओ, अपनी सेवा करो और वापस आ जाओ, किसी ने आपको देख लिया आप सेवा करते हुए वो अलग बात है, पर अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि हाँ जी हम तो लंगर की सेवा में मिल गई, हमारी सिफारिश लग के भी सेवा हो जाती है जी, नहीं, जब आपके मन की बात होती है कि आपको ये सेवा मिल जाए और वो सेवा आपको अपने आप मिलती है बिना सिफारिश के, सिफारिश गुरु जी को लग सकती है, संगत में हम सिफारिश नहीं कर सकते, तो जब उनके उनकी तरफ से जब हुक्म आता है और जब आपको ऐसी सेवा मिलती है, आपका जो दिल और जो जिसको कहते हैं ना आपकी जो बात है उसकी परवानगी हो गई, उसकी जो खुशी है, किसी को नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है, परमात्मा को गुरु को तो पता है ना, तो जब वो गुरु आपको वो झोली में डालता है उसका जो खुशी होती है वो हजार गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए सिफारिश की सेवा और जो मांगो गुरु से और गुरु ही आपको सेवा दे उसका जो रस है वो अपने अलावा और कोई नहीं समझ सकता। दूसरे कोई बोलेंगे हाँ मिल गई होगी इसको सेवा, तो जो खुद को रस आएगा, जो खुद को मजा आता है, क्योंकि वो आपकी बात है, वो दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए कभी भी अपनी जो भी सेवाएं करते हो, कहाँ भी करते हो, सत्संग में करते हो, लंगर की भी करते हो, सत्संग में लंगर लेके भी जाते हो, या कोई सेवा ऐसी करते हो, तो आपको बिल्कुल ये बताना चाहिए कि आप कौन सी सेवा करते हो, आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। ऐसी
कितनी बार ऐसे होता था कि गुरु जी के सामने भी सब मतलब लेके तो आते थे सेवा करके, किसी ने सूप बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, कुछ कुछ जो भी बनाना, मैं बना के ला रही हूँ, मेरे हाथ से गुरु जी खाते हैं, मेरा ये घर है गुरु जी, उसने क्या हो तू डब्बे में कीड़े निकले, लंगर तो बना के लेके आई, जब खोला तो उसने कहा ये कीड़े। तो अहंकार जब आपकी सेवा में आता है, मैं करता हूँ मैं हूँ, तो फिर वो गुरु जी कहते कबूल ही नहीं। बंदा घर से तो निकला और जब संगत में आया, घर से निकलते हुए वो कहते ना सूक्ष्म अहंकार आता है, तो वो आता है हमारे पर। और जब वो वहां तक पहुंचता है तो गुरु जी को तो पता ही होता है कि कौन किसके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, सब जानते हैं। तो विनम्र भाव से यू नो सेवा करो और निष्काम भाव से, क्या मैं आप क्या मेरा ले लोगे, मैं आपको क्या दे दूं। हम यहाँ बैठे हैं गुरु जी के चरणों में, कितना सुंदर उनका आसन लगा हुआ है ना, और शब्द कीर्तन चल रहे, कितना रस है, कितना आपको वो दे रहे हैं गिफ्ट, और हमारे अंदर कुछ और ही चल रही होती है। तो इसीलिए जब गुरु के पास आए तो नीवे होके आए, है ना। ठीक है, जहाँ के भी फन्ने खान हो, हमारे कितनी माल क्या कहते हैं ना वो कितने ही हम बड़े औहदे के हों बाहर, पर गुरु के लिए हमारा गुरु का औहदा बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं, हमारी पहुंच में सोच ही उस तरफ लेकिन उधर तक यही नहीं हमारी। तो हम यहाँ सीखने आते हैं और गुरु चरणों में जब आप प्रणाम करते हो या उनको मत्था टेकते हो तो अपनी ईगो बोलो ये मेरी जो सबसे बड़ी चीज है ना अहंकार, ये मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, मैं आपको ये अहंकार देता हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझसे अहंकार नहीं संभाला जाता, कुछ ना कुछ जगह आ ही जाता है। तो रोज यू नो जब भी मत्था टेको अहंकार अर्पण करते रहोगे तो एक दिन गुरु जी वो अहंकार आपका स्वीकार करके अपनी झोली में ला देंगे, और जितना आपके अंदर विनम्र भाव है, जितना नम्रता आनी चाहिए उतना आपको झोली में नम्रता आ जाए। सो हमें भी सीखना है, हम बहुत कुछ सीखना है हमको। हम यहाँ से जाते हैं आधे रास्ते में चुगलियां करते हुए जाएंगे ना, इसे फलाना फलाना, संगत के अंदर भी चुगलियां करेंगे, बाहर वालों की भी चुगलियां करेंगे, तो क्या होता है कि हम जो यहाँ पर बटोर के गए हैं ना वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। तो जितना गुरु आपको दे रहा है उतना वो कहते हैं ना संभालना है, जो आज आप लेके जा रहे हो। एक तो आप बैठ गए, कितनी सुंदर बात कही गुरुपाल सिंह जी ने, नाम जपने से ज्यादा नाम संभाल, कि हम लेके तो जाते हैं पर जैसे ही बाहर जाते हैं कुछ और का और ही होगा। तो इसीलिए गुरु जी से भी ये अरदास होती है कि जो हम सीख के जाए वो हम एब्जॉर्ब कर लें अंदर अच्छे से। कभी आपने ये भी सोचा है कि आज मैं सुबह से ही पता नहीं, जब आप एक गिराई निवाला खाते हो ना अपनी थाली, चाहे वो घर खाते हो, चाहे वो सत्संग में खाते हो, कहीं भी खाते हो, आपको एक एक गिराई मानो गोलगप्पे खा रहे हो, जब आप वो गोलगप्पे खाते हो और जो भी सब्जी इतनी स्वाद होती है उसको स्वाद लेते हो तो कितनी आपको ठंडक मिलती है ना, आपकी क्या निकलता है, हाँ 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 है ना, कितना स्वाद आ गया कहते हो ना। बट उसके पीछे की जर्नी आपने कभी देखी कि कहाँ से वो गेहूं आई, मान लो रोटी है ना, कहाँ से वो गेहूं चलते चलते, शुक्राना किसके लिए होता है, उस धरती माँ के लिए जिसने वो गेहूं उपजाई, धीरे धीरे आपका शुक्राना निकलता है, थैंक यू निकलता है किसके लिए, उन फार्मर्स के लिए है ना, हिंदी हिंदी में क्या कहते हैं, किसान किसान कोई पंजाबी नहीं होती, कभी हिंदी कभी इंग्लिश बोल जाते, कभी हिंदी बोल जाते, सो वो किसान का किसान के लिए शुक्राना निकलता है कि उस किसान ने इतनी मेहनत करके उसको लेके आए। फिर मार्केट में जो लोग करते हैं, जो आपके लिए खाना पकाते हैं या जो खुद बनाते हैं, यू नो जैसे अगर मेरे आज हेल्थ ने मेरे लिए इतनी अच्छी सब्जी बनाई तो मेरे अंदर से उसको भी आशीषें निकली, उस किसान के लिए भी आशीषें निकली कि कितना अच्छा समय है, थैंक यू गुरु जी। और मैं ये कह रही थी, मैंने कहा थैंक यू गुरु जी कि मेरी सेहत भी ठीक है, कि मैं वो खा रही हूँ, है ना। मतलब अगर आपको मीठा बंद हो गया और आपको मीठा खाने और आप सोचते हो कि आज मैं ठीक, तो इसलिए अगर आपकी बेसिक चीजें आपकी जिंदगी में ठीक है तो उसका शुक्राना करो। तो जहां से जर्नी शुरू होती है हर इंसान का शुक्राना करो जो आपके पेट में आपकी जो भूख मिटाता है ना, और जो आपको स्वाद देता है, इन सबका शुक्राना।
तो ये सारे कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं। ये सारे कौन है? ये सब गुरु जी के ही तो है ना, क्योंकि सृष्टि चलाने वाले सबसे बड़े होते हैं। तो जब वो निवाला था, ये नहीं की मतलब रोटी हाथ में है तो वो रिचुअल बन जाए, लड़की का शुक्राना, फिर इसका शुक्राना, फिर उसका शुक्राना, वो अच्छा तेरा भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना, नहीं। जब वो स्वाद लो ना तो दिल से आए, है ना, उस किसान का थैंक यू, है ना, उस इंसान का थैंक यू जिसने बना के खिलाया, उस चक्की का थैंक यू जिसने पीसा, यू नो, जिसने भी किया है तो काम सबके, बट वहां तक मेरी थाली में परमात्मा ने ऐसे भेजा तो सबका शुक्राना है, और धरती का भी शुक्राना। अगर वही बंजर हो जाए, वही हो जाए, तो हमारे को शायद खाने को आगे ना मिले। कई बार गुरु जी कह देते थे कि आने वाला टाइम माड़ा भी हो सकता है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, जब वो आएगा तब वो देखेंगे, यू नो। बट अगर हमारा शुक्राना निकलता जाएगा और इस धरती के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती रहेंगी ना, जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं तो ये धरती भी खुश होती है, तो इसके अंदर भी एक एनर्जी जाती है, सत्संग की एनर्जी धरती पे जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है। आप कहीं भी देख लो, एक घर के अंदर या कोई धरती के अंदर आप पैर रखते हो, किसी घर में पैर रखते हो, आपका मन करता है हट जाओ वहां से, किसी तरीके से उधर बैठना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दीवारें भी है, खूबसूरत घर भी है, सब कुछ है, तो उस धरती के अंदर वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। आप कहीं भी देख लो जहाँ बहुत ज्यादा परमात्मा का नाम, जैसे गुरु जी का नाम लिया जाता है, परमात्मा गुरु जी हमारे लिए एक ही है। पर एक जनरल तरीके से बता रही हूँ कि जब हम उनका नाम लेते हो तो धरती भी बोलती है, धरती भी खुश होती है, और उसका ऑरा, उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है। तो इस नोट पे आई थिंक मैं ना सबसे अच्छा निकल मतलब टिप्स देती हूँ, ऑल द स्मॉल लिटिल टिप्स ऑफ लाइफ। सो मेरे साथ ये अपने जीवन में क्या, यू नो, मैं अपना छोटा सा ही सुनाती हूँ, अपनी मैं अपनी हेल्थ का ही सुना देती हूँ। हेल्थ तो पता नहीं, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, तो गुरु जी को पता है कि मैं अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ध्यान नहीं सिर दर्द हो रहा, गोली का ही चल रही है ना, और सिर दर्द हो गया गाय में चल थोड़ा बहुत ठीक हो गया। पर जैसे अगर मेरे को ऐसा टाइम आया कि मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई कि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी, आई थिंक जुलाई में, इतना ज्यादा मेरे से कि मेरी बॉडी ने छोड़ दिया कि अब नहीं, तो मैंने जबरदस्ती टेस्ट करवाया, सारी चीजें तो ठीक है, पर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया जी, मैंने अच्छा जी डांट भी टी सारा कुछ जो भी हो, मैंने डॉक्टर वो क्या रहा फलाना गिराना, तो आपको पता नहीं होता कि आपकी बॉडी में क्या होता है, पर गुरु को तो पता था ना कि ऐसे बाज नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो हिलाना पड़ेगा किसको, तब जाके करेंगे। तो कुछ नहीं करना, दवाई खानी है, थोड़ा परहेज करना है, सत्संग में आना है, पूरा लंगर खाना है, तो जो बचा कुचा मीठा नहीं खाते वो लंगर में पूर्ति हो जाती है, जो बचा जाते तला नहीं खाते उसकी हो जाती है, वो प्रसाद भी मेरा, मेरी दवाई भी देखो कितनी अच्छी है, मेरे गुरु ने दवाई भी ऐसी दी है कि वो कह रहे पेट को बड़ा खा रहे कोलेस्ट्रॉल। सो आप देखो कि जब डायबिटीज भी गुरु जी उस टाइम पे ठीक करते थे, आज जो सिस्टम पहले था आज भी वही सिस्टम। तो जो प्रसाद आपको मिलता है, जो हम भोग लगाते हैं, ये प्यार का भोग होता है, और फिर उसमें ब्लेसिंग्स की बौछार करते हैं, और सारी तरह की ब्लेसिंग्स, जैसे मेंटल रोग है, फिजिकल रोग है, ये सारी चीजें गुरु जी हमारे अंदर से निकालते हैं। तो सत्संग में आओ ना तो गुरु जी को बोलो हाई गुलाल यार थैंक यू, यू नो कोविड में सत्संग नहीं होते ठीक है, वो ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन ना थोड़ा हो जाता है फॉर्मल टाइप, यू नो थोड़ा टेंशन वाले होते, मतलब सेल्फी सत्संग होते मैं हमेशा कहते। तो पर ये जो समय है इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो कुछ भी गए दुनिया जो मर्जी गए, ऑनलाइन में मजा आता था, आता ठीक है, वो एक तरकीब थी, यू नो उस टाइम पे जरूरी थी, वो भी अच्छी थी उस टाइम पे, बट जिनको ये रस मिलना शुरू हो जाता ना उसको ऑनलाइन से कोई टेंशन नहीं हो जाती है ना, हम सोचते कि हमसे होता नहीं है, तो इसलिए जिनको नहीं आ पाते उनके लिए अच्छा है, और जो को मौका मिला तो क्या करना, मैं गुरु जी को थैंक यू कि वो हमारे जीवन में आए। सो बस यही है कि जीवन में गुरु जी ऐसी बाहर लाते रहे, और ऐसी सबकी सेहत ठीक होती रहे, सबके कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहे, सबकी डायबिटीज भी ठीक रहे, बट यहाँ पर खा लो, ये नहीं घर जाके एक किलो मिठाई का डब्बा मंगवाओ कि उत्ते बह के खा जाओ, नहीं नहीं गुरु जी का प्रसाद मान के खाएंगे, गुरु जी डायबिटीज नीचे से ठीक करते थे, नहीं ये नहीं, जो यहाँ है वो दवाई है,
जो बाहर है वो मिठाई सो इसलिए उस भाव से खाओ। मैं तो मैं हंसी थी, मैं पूरे सबको आधा ब्रेड पकौड़ा मिला, मैंने तो बटा ही क्यों बटा पूरा मिलता मिलता गुरु जी। ठीक है कि हमारे मन में सोच ही नहीं आती कि इससे हमारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सोचते कि उनका प्रसाद है, यू नो डबल है। सो ये इस नोट पे जय गुरु जी, ऐसे आते रहो, मुस्कुराते रहो और जुड़ते रहो, प्यार से जुड़ो गुरु जी से और भाव से जुड़ो। ये मौका मिल रहा है तो ढूंढ लो, उसके बाद तो पता नहीं अगली बार सत्संग में आ पाएगा है ना। सो इसीलिए आज ही एक समान है, यही आज का दिन है, कल जब आएगा कल देखेंगे, पर आज तो जी ले है ना, आज ये समा बांधा है गुरु जी ने, तो एंजॉय करें, मुस्कुरा दो, इतना टेंशन में सुन रहे हो पता नहीं, ऐसी तो मैंने कोई सीरियस बात नहीं की, कोलेस्ट्रॉल की बात करती मैंने, और दुनिया में पता लग गया अच्छा और नहीं मेरा ये तो एक हंसी मजाक भी होना चाहिए, बीच में तो भी सीरियस ही ना हो जाए ना। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम अपना ध्यान खुद नहीं रखते, जैसे मेरे जैसे बंदे तो डॉक्टर के पास जाने से 10 बारी सोच, मतलब डॉक्टर का नाम ही नहीं पता होते थे उनको, पता है इसको ये करना तो है नहीं, इसमें तो कोई सुई चुपो देंगे चल जा जा, तो डॉक्टर ने भी तो अपना काम करना ना, तो मैं वो दवाई दी है हार, तो इसीलिए मुस्कुरा लो, टेंशन ना लो यार, कोई नहीं तुम ताकि दंद नहीं ना तभी चल देगा है ना, मेरे भी दंद डेंटिस्ट के पास जाने वाले हो, लोग कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा, मुझे दिखाए भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी पक्का है, जोर वाला जी नहीं आया मेरे को, फोटो से नहीं सोचने पड़ी की बात है। सो बहुत सारा प्यार आप सबको, किसी ने सत्संग करना है तो जरूर करें, और बस ऐसे ही आते रहो, क्या कहते हैं गुरु जी से जुड़ते रहो, गुरु जी से खूब प्यार करो, जो वो आपको दे रहे हैं जोड़ियां भर के लेके जाओ, नम्र रहो और जो जो गुरबानी सिखाती है जो हमारा अंदर का बदलाव आता है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वही बात है कि अगर अंदर से बदल गए तो दुनिया बदल जाती है, अगर अंदर से नहीं बदले तो दुनिया तो ऐसे लगता है कि दुनिया को बदल डालो, पहले हम खुद बदल ले। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सबको, रमन तू आ जा सत्संग, तुम यो बहन वाला सत्संग आ जा, मैं भी छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाऊं, प्लीज आ जा, वी वांट टू, पहले ये फिर वो, रमन आ जा लाइन में, फटाफट आ जा, नहीं मुझे सुना दे यार, आ जा स्टॉप। सो ये हमारी जर्नी है, हमारे सारे